नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर एक अनदर वीडियो। आज मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा है और निफ्टी 11,661 तक पहुंच गया है 11,100 से, और सेंसेक्स भी लगभग 39,298 में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 29,120 में बंद हुआ है, अच्छा ऊपर की तरफ बंद हुआ है। इसी में जो फेडरल बैंक है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और इसमें ऊपर की तरफ नहीं गया, लगभग 84 के आसपास बंद हुआ है, तो इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये आने वाले दिनों में इसमें गिरावट होगी, उसको टेक्निकली चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी ब्रोकरेज हाउस ने लगभग 105 से 120 का टारगेट दिया है, तो रिजल्ट क्या भी देखेंगे उसमें। सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, G20 सम्मेलन में इन्होंने कहा है कि मंदी के बाद दुनिया में ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये उनका स्टेटमेंट है आज का। और मंदी के बाद थोड़ा सा ग्रोथ तो निफ्टी में भी रही है, देखिए लगभग 500-550 पॉइंट ऊपर की तरफ है। अब बहुत सारे देखिए, अब जो लगभग 11,100 के आसपास नहीं खरीद पाए थे, अब कोशिश कर रहे होंगे यहाँ खरीदने की, तो बेटर देन है कि अभी कुछ करेक्शन हो तब आप इसमें एंट्री करने की कोशिश करिए। और बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को बताते रहते हैं, बट ये है कि जो भी ट्रेड आप यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस के द्वारा काम करिए, क्योंकि दूसरे दिन कोई भी न्यूज़ या ग्लोबली कोई भी घटना घटती है तो आपको तेज़ी से निफ्टी नीचे की तरफ दिख सकता है। इसमें निफ्टी देखिए आप ज़्यादा ऊपर देखिए, अगर रिलायंस का रिजल्ट अच्छा रहता है, जो पहले से हाई पे और पहले से ऊपर की तरफ है रिलायंस, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा भी रहता है तब भी देखिए, अब ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कितना अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे रिजल्ट का। फिलहाल देखिए, अब निफ्टी यहाँ से लगभग 11,730 और 70 तक जा सकता है, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का ट्रेड रहता है। फिलहाल ये जो 550 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है निफ्टी, तो इसमें कुछ करेक्शन भी हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर करेक्शन में स्टॉक मिलते हैं जो आपके स्टॉक हैं तो उसमें बाई करने की कोशिश करिए। फिलहाल एक दो दिन अगर गिर जाए मार्केट, उसके बाद बाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही दिन में अगर गिरता है तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं तुरंत लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है यहाँ पे कुछ 60-70% जो है अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। और जो लंबे समय के लिए ले रहे हैं स्टॉक को, धीरे धीरे ले रहे हैं, तो वो अभी आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ रहेगा, बट ये समय लगेगा। देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, जैसे उन्होंने अभी G20 सम्मेलन में कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि टैक्स की कटौती की है, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है, उससे वजह से जो है आज आने वाले दिनों में अच्छा कंपनियां करेंगी, तो उनको प्रॉफिट भी है कंपनियों को, बट ये अब कितना ग्राउंड लेवल पे आता है वो आने वाले समय में रहेगा। और जब भी आप गिरावट हो तो ज़्यादातर अगर अच्छे स्टॉक्स के खरीदने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। फिलहाल आज बहुत सारे स्टॉक लगभग 20-25% ऊपर की तरफ गए, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें कम से कम आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते या दिवाली का जो अपना इंजॉयमेंट है उसको नहीं करना चाहते, तो कुछ परसेंटेज रख के, कुछ परसेंटेज फिर आने वाले दिनों में जैसे मंडे या ट्यूसडे तक देख के फिर उसको, और स्टॉप लॉस के द्वारा अपना प्रॉफिट वो बने रहिए। अब बात करेंगे, देखिए फेडरल बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें फेडरल बैंक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। सबसे पहले इसका ट्रेड जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो है लगभग 11,661 में है और ये बैंक में तेज़ी नहीं आई, तो कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि और बैंक निफ्टी भी देख लगभग 29,120 में है, तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कुछ गिरावट हो, तो उसको टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका ट्रेड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आज ये 83.85 रुपये में बंद हुआ है, लगभग आधा परसेंट नीचे की तरफ है, 84.84 हाई किया था और ओपन भी 84.35 में हुआ है, और प्रीवियस क्लोज था 84.35, लो है 83.50, उसी के आसपास ये बंद हुआ है। और देखिए इसका 52 वीक लो है 76.80 रुपया, और ये 15 नवंबर 2018 को बनाया था, तो अगर ये आने वाले दिनों में इसने अगर इसको लेवल को ब्रेक किया, ये आप लोगों को टेक्निकली बताने की कोशिश करें, तो फिर आपको ये नीचे की तरफ दिख सकता है। और इसका वॉल्यूम देखिए लगभग 1,10,94,728, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, क्योंकि 100 रुपये के नीचे के जितने स्टॉक होते हैं उसमें काफ़ी रिटेलर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप लोगों को जो
ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्हों उनका टारगेट भी बताने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। देखिए सितंबर 2019 का जो इसका रेवेन्यू रहा है 3336 का रहा है और अदर इनकम भी 411 है और 424 का प्रॉफिट रहा है। पिछला जो क्वार्टर में था लगभग सितंबर के 2018 में 279 का था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है, बट स्टॉक जो है नीचे की तरफ है। अब इसका रीज़न ये रहा है कि जो एसेट क्वालिटी है वो स्लिपेज हुए हैं, एनपीएस थोड़ा सा ग्रो हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, उसके वजह से इस स्टॉक में अभी दिक्कत है। बट और आने वाले दिनों में क्या जिस तरह से रेट कट होंगे तो उसके वजह से हो सकता है कि कुछ फियर हो, डर हो, उसके वजह से आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश नहीं कर रहे होंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर ज़्यादातर देखिए अभी बहुत डाउन में है। आप SBI को देखिए लगभग 270 के आसपास है, मार्केट लगभग 500 पॉइंट ऊपर की तरफ हो गई और SBI जो है 243 या 242 से लगभग 270 तक गया है। इतना बड़ा दिग्गज स्टॉक है। अब फेडरल बैंक भी ठीक ठाक है, देखिए इसके लगभग 1251 ब्रांचेस हैं, 1931 से है ये, कोची और केरला में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का। तो काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट दिया है बट ये नीचे की तरफ है। रिजल्ट ये रहा है 37% जो है स्पाइक किया है, ऊपर की तरफ प्रॉफिट रहा है बट एसेट क्वालिटी वीकनेस ले तमाम सिटी ने और कोटैक ने जो जितने भी ब्रोकरेज हाउस है लगभग 110 से 120 का टारगेट दिया है। अब इसको टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो अभी ऐसे 84 में है, अगर इसने 79 नीचे की तरफ और 76 को अगर ब्रेक किया तो आपको सीधे से ये 70 और 68 की तरफ आता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ। जिस तरह से अभी बैंकों में फेयर जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में फेयर चल रहा है, तो अगर कोई भी करेक्शन होगा तो सबसे पहले बैंकों में करेक्शन आया। अब निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी लगभग 29,000 के आसपास है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। और ऊपर की तरफ देखिए ये अगर 88 और 90 को क्रॉस करेगा तभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। बट ज़्यादातर जिस तरह से आज ये मार्केट बढ़ा है और काफ़ी व्यूअर्स पूछ भी रहे थे कि स्टॉक को बढ़ा नहीं क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, और जब भी रिजल्ट अच्छा रहता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड होता है एक दो दिन के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से देखिए आज लगभग उसी के आसपास रहा ये, और इसको ध्यान रखिएगा जिन्होंने अभी ख़रीदा है तो आप अगर मार्जिन में है तो उसको कुछ कम करने की कोशिश करिए। और इसका लेवल जो है 77 और 76 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको फिर सीधे से 70 और 67 की तरफ आता हुआ देख सकता है, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा किस तरह से ट्रेड करता है ये। और ऊपर की तरफ अभी फिलहाल जब तक ये 93 और 97 को ऊपर की तरफ अच्छी तरह से ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ नहीं जाएगा तब तक ये इसका रेजिस्टेंस बना रहेगा 87 से 93 तक, और उसके बाद 100 क्योंकि 3 फिगर में जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी जो जिस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ है और फेडरल बैंक का रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद ऊपर की तरफ नहीं गया है तो आप इसको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट में करेक्शन रहेगा तो ये बैंक भी नीचे की तरफ आपको मिल सकता है। और इंतज़ार करिए जिनको इस बैंक को ख़रीदना है, नीचे की तरफ अगर मिलता है तो फिर बाय करने की कोशिश करिए क्योंकि हर किसी का जो है फेवरेट स्टॉक होता है उसी के अनुसार उसमें बाय करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखिए अब ये फेडरल बैंक का आने वाले दिनों में जो टेक्निकल लेवल है उसको बताने की कोशिश थी, और कुछ समय दीजिए अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप निकलने की कोशिश करिए, डाउन में खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद रहती है। ये इस यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश है। और फेडरल बैंक का काफ़ी अच्छा ठाक ये प्राइवेट बैंक है और काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने ऊपर की तरफ का टारगेट दिया है, बट फाइनेंशियल सेक्टर में अभी थोड़ा सा मंदी है और आने वाले दिनों में रेट कट भी होगा तो उसके हिसाब से जो फिर इनके इनकम जो रहेगी थोड़ा सा कमी पेशी रहेगी तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी आप फाइनेंशियल सेक्टर में भी पैसा लगा रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा उन स्टॉकों में, लगभग 25 से 30% आपको अगर 1 या 2 महीने मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए। और लोग यहाँ साल भर के लिए भी इतना इंतज़ार करते हैं तो ये एक टैक्टिस होती है मार्केट की। फिलहाल फेडरल बैंक में रिजल्ट था ये बताने की कोशिश थी, काफ़ी व्यूअर इसमें निवेश करना चाह रहे थे, रिजल्ट अच्छा आया करके, तो ये एक आप लोगों को टेक्निकली बताने की कोशिश है कि अगर इसमें निवेश करना है तो कुछ अभी टाइम दीजिए और जब करेक्शन में मिलता है तभी इसमें निवेश करने की कोशिश करिए।
हो सकता है कि इसमें गिरावट आपको दिखे आने वाले दिनों में, अगर बैंक निफ्टी में भी करेक्शन होगा तो ये फेडरल बैंक में भी करेक्शन हो सकता है। आप लोगों के लिए अपडेट था, आप लोगों को इसी तरह से अपडेट करते रहते हैं। अगर ये यूट्यूब चैनल देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।